आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। आजकल आध्यात्म की तलाश में कम लोग हैं, बहुत कम, लेकिन धर्म की तलाश में अनेकों करोड़ों लोग भाग रहे हैं। धर्म का जो खेल है वो सदियों से चलता रहा है और चलता रहेगा, ऐसा नहीं है समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा या नए धर्म नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है। ये चलते रहते हैं, लेकिन इनके बीच से, मध्यम से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ आत्माएं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें प्यास होती है उस परम तत्व की, स्वयं की खोज की, और उस खोज के लिए वो तलाश करते हैं, उस परम तत्व को उनके जो आत्मा है वो मिले बिना शांत नहीं होती, प्रश्न समाप्त नहीं होते। हो सकता है किसी किसी की मानसिक संतुष्टि हो जाए, शाब्दिक संतुष्टि हो जाए, हृदय भी हो सकता है किसी एकाद का संतुष्ट हो जाए, लेकिन आत्मिक संतुष्टि यानी समय की प्राप्ति, अपने आप को पा लेना, ये नहीं होता। और जब तक ये नहीं होता, चाहे कितने भी वर्ष हो जाए, कितना ही समय निकल जाए, कितने ही जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, सृष्टि चक्र चलता रहे, लेकिन जीवन मुक्त नहीं हो सकते। चाहे कितना ही प्रयास करें, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा, हमने खुद अनुभव करके देखा कि जब हम खोज में थे प्राप्ति नहीं हुई थी। ये नहीं कि हम पैदा हुए प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं। वो विशेष आत्माएं होती हैं, जैसे राम हुए, श्री कृष्ण हुए, और भी अवतार हुए जिनको अवतार, वो विशेष आत्माएं होती हैं जो जागृत ही आती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को साधना करनी ही पड़ती है, चाहे कम या ज़्यादा, लेकिन साधना करनी पड़ेगी। अगर हमने पिछले जन्मों में साधना कर रखी है तो इस जन्म में जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। अगर साधनाएं कम हैं तो ये नहीं कि प्राप्ति नहीं होगी, कोई रोक नहीं सकता। जो लोग बोलते हैं ऊपर जा करके परमात्मा मिल जाएंगे, शरीर छोड़ने के बाद मिलेंगे, वहाँ ऐसे है,
वो लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि जब प्राप्ति होगी इसी शरीर में होगी, जो आत्माएं हैं उन्हीं में प्राप्ति होगी, जब खोज होगी तो अपने आप को ही पाओगे, उस परम तत्व के रूप में। लेकिन हम दौड़ भाग में लगे रहते हैं, खोजबीन में लगे रहते हैं, सही जगह न तलाश करके भटकाव और भ्रम के कारण से इधर उधर खोजते हैं। हम भी जब साधना में थे, शुरुआत हुई तब कि वृंदावन में मिल जाएंगे, गोवर्धन में मिल जाएंगे या कुरुक्षेत्र में, जहां उन्होंने गीता का उपदेश किया, ज्ञान दिया, वहां मिल जाएंगे, कि वहां तो कुछ अलग होगा। लेकिन जब तक आप पात्र नहीं हो, कहीं भी आपके लिए कुछ भी नहीं है। कुछ लोग खोजते हैं जहां हमारे संत हुए, जिन मूर्तियों में संतों ने प्रकट किया, या जहां उन्होंने साधना की, वहां वो साधना न करके गए, हाथ जोड़े, कुछ पैसे फेंके मूर्ति के ऊपर, देखा थोड़ी देर, हाँ बड़े दर्शन हुए, बड़ी कृपा हो गई, पुजारी आएगा हटा देगा आपको सामने से, या पर्दा गिरा देंगे, अगर आपको एक झलक दिख गई मूर्ति की तो आप अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझोगे कि दर्शन हो गए। क्या यही दर्शन है? क्या यही मोक्ष का रास्ता है? क्या हमारे संतों ने इसी का वर्णन किया है? क्या इसी रास्ते के ऊपर चल करके हम परम तत्व को प्राप्त करेंगे? क्या इन बिना नाव में बैठे आप सागर पार कर पाओगे? वो भी तब जब आपको तैरना भी नहीं आता, रास्ते का भी नहीं पता, मंजिल का भी नहीं पता, और सोच दिमाग मन अहंकार से भरा हुआ कि बस मैं श्रेष्ठ हूँ, बाकी सब मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, मैं साधना करना जानता हूँ, बाकी नहीं जानते। ये चीज़ें साधना में सबसे बड़ी रुकावटें होती हैं, अहंकार का त्याग और फिर त्याग का अहंकार। जब तक आप इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम नहीं करोगे, उस परम तत्व को कैसे पा सकोगे? कुछ लोग प्रयास करते हैं, बीच में ही रुक जाते हैं,